अपने समय का अधिकतम सदुपयोग करना। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मोहन जी हमारे विचारों के लिए जो प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं वो ये है कि कैसे हम अपने समय का अधिकतम सदुपयोग कर सकते हैं। मोहन जी द्वारा प्रदान इस प्रेरणा को उनके ही शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। नमस्ते दोस्तों, मैं मोहन जी। आज मैं आपसे एक दिलचस्प प्रश्न के विषय में बात करना चाहता हूं, जो मुझ तक पहुंचा या जो शायद एक टिप्पणी है। वो टिप्पणी कुछ इस प्रकार है। एक युवती ने मुझे लिखा, मोहन जी, मैं कुछ दिनों से आपका अवलोकन करती आ रही हूं, अब कुछ हफ्तों से। सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन लगता है कि आपके पास 48 घंटे हैं। ये कैसे संभव है? इसलिए मैंने सोचा, ठीक है, ये वो विषय है जिस पर आज मैं चर्चा करूंगा। अच्छा, मेरे पास भी केवल 24 घंटे ही हैं, ठीक आपकी तरह। पर हम कैसे 24 घंटों को 48 घंटे बना सकते हैं? मतलब दो गुना समय? वो तब होगा जब पहला एक स्पष्ट उद्देश्य हो, दूसरा अव्यवस्था का अभाव हो, जिसका अर्थ है स्पष्टता, तीसरा समय सीमा के आधार पर एक निश्चित कार्य किया जाए, इसका अर्थ है मैं इसे इस समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कर लूंगा। ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है, ये बहुत आसान है। इसका अर्थ है कि हमारे पास एक पूरा दिन है, 24 घंटे, जिसमें हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। हम प्रातः उठते हैं और अब हम अर्ली बर्ड्स क्लब के साथ प्रातः जल्दी उठते हैं, फिर बहुत सारी चीजों के विषय में सोचते हैं, हमें अब क्या करना चाहिए। पर कल्पना कीजिए, अगर आप जिन कार्यों को आज करना चाहते हैं उसकी सूची कल ही बना ली होती तो वो कैसा होता? आप प्रातः उठते हैं, फिर अर्ली बर्ड्स क्लब से जुड़ी प्रक्रियाएं होती हैं। आप अपनी दैनिकी या किताब को खोलते हैं और उसे देखते हैं, कहते हैं, अच्छा, आज मुझे इन सभी कार्यों की पूर्ति करनी है, कितने समय के अंतर्गत, ताकि दिन के विषय में स्पष्टता हो। हमारे पास एक प्रक्रिया है, हमें पता है कि क्या करना है। आप वास्तव में पुस्तक में बहुत सी चीजें जोड़ सकते हैं, उदाहरण स्वरूप ये कहते हुए कि ये वो व्यक्ति है जिसे मुझे इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए संपर्क करना चाहिए, इस तरह इत्यादि। हम ये सारे कार्य केवल थोड़े से पूर्व नियोजन से कर सकते हैं। हम चमत्कार कर सकते हैं। क्या आपने कभी इसके विषय में सोचा है? बहुत से लोग दिन के दौरान आलसी किस्म के होते हैं। वो अच्छी तरह ये योजना नहीं बनाते। वो इसलिए नहीं क्योंकि वे असक्षम हैं। मैंने ये अवलोकन किया है, हम सब के पास समान समय होता है, हम सब के पास एक जैसी शक्ति और क्षमता है, परंतु स्पष्टता अलग अलग है। मैंने सफल व्यक्तियों में भारी स्पष्टता देखी है। जब उनके पास कोई विषय आता है तब वे तुरंत इस विशिष्ट परिस्थिति में गहराई से अध्ययन करते हैं एवं सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखते हैं। ये उनके लिए सहायक होता है। तो ये निरंतर अभ्यास है। आपको निरंतर अभ्यास करते रहना है, जिसके लिए
आपको अनुशासित रहने की शुरुआत करनी होगी। स्पष्टता अव्यवस्था को दूर करती है। ये मुख्य बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। अव्यवस्था क्यों है? क्योंकि हमने अपने दिन की योजना नहीं बनाई। कोई मुझसे ये पूछ सकता है, ओह, मुझे इस विषय में स्पष्टता नहीं कि कल मुझे क्या करना है। तब कुछ छोटे से शुरू करें इस विश्व में अपने तरीके से। कुछ परिवर्तन लाने का निर्णय लें। उदाहरण के लिए गरीबों की मदद करें, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, या आपका कुछ नया सीखना। आप कुछ भी कर सकते हैं। अन्यथा मैं हमेशा कहता हूं, इस विश्व में हमारा जो मोहनजी मंच है वो सबके लिए है। जानते हैं, अनेक लोगों को इसके माध्यम से आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, क्योंकि आप अन्य लोगों की सहायता करने में सक्षम होते हैं। आप लोगों का मार्गदर्शन करने में सक्षम होते हैं। आप लोगों के लिए उचित संरचना एवं उद्देश्य देने में सहायक होते हैं। ये सब संभव है। प्रश्न केवल आपका आंखों को खोलकर उसे देखने का है, उसके साक्षी बनने का है, स्वीकारने का है एवं उसमें विलय होने का है। अतः ये सब संभव है, सब कुछ संभव है। तो क्या आपने कभी अर्ली बर्ड्स क्लब से पहले स्वयं को गहराई से देखने पर विचार किया? मुझे लगता है हम में से कई लोगों ने सोकर समय बिता दिया। फिर हम जागते हैं और एक कप कॉफी, अखबार या कुछ और के माध्यम से खुद को पुनः सक्रिय करने की कोशिश करते हैं। और ये वास्तव में ऐसा है जैसे आप अपने शरीर को घसीट रहे हैं, अपने आप को घसीट रहे हैं। परंतु हमें स्वयं को घसीटने की आवश्यकता नहीं। हमारा अद्भुत व्यक्तित्व है, हम अद्वितीय हैं। धरती पर हमारी शक्ति महान है। हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमें उनसे अवगत हो उनका उपयोग करना चाहिए। मेरे विचार से हम सबके पास समान योग्यता है। मेरे पास अतिरिक्त समय नहीं है, आपके पास भी अतिरिक्त समय नहीं है। हम सबके पास समान समय है, पर इस समय का हम कैसा सदुपयोग करते हैं इससे फर्क पड़ता है। क्या हम समय बर्बाद कर रहे हैं? क्या हम केवल ऊब गए हैं? वास्तव में ऊबना शब्द मैं जानता तक नहीं, क्योंकि मैं ऊबता नहीं हूं, मैं अत्यधिक सक्रिय हूं। वास्तव में यही मुझे प्रसन्नता प्रदान करता है। आप जानते हैं, मैंने खुश रहना चुना है। हम खुश रहना चुन सकते हैं, तब कोई बोरियत नहीं। आपको अपने समय को क्रियाओं से भरना नहीं है। वास्तव में ये एक अत्यधिक दुखद अवस्था है। अगर आपको अपने समय को क्रियाओं से भरना पड़े तब वो एक दुखद अवस्था है। परंतु अपने समय के स्वामी बने आप सुखद अवस्था में हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि आपको प्रदान किए गए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करें, कोशिश से भी कभी पीछे न हटें। इस विचार के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। तो आज इसे अपना विचार बनाएं, ग्रहण करें और इसके विषय में सोचें। आज आपके विचारों के लिए मैं आपको ये प्रेरणा प्रदान कर रहा हूं। अब हम अगली बार आपसे फिर मिलेंगे, पर इस विचार के विषय में अच्छी तरह मनन करें, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है और ये आपके जीवन को परिवर्तित कर देने वाला विचार हो सकता है। कल आप क्या करना चाहते हैं उसे आज रात ही लिख लेना चाहिए, या
लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास कल है तो आपके पास पहले से ही योजना है। यह योजना आपका मार्गदर्शन करेगी और योजना छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर पहली योजना काम ना करे तो दूसरी होनी चाहिए, अगर दूसरी काम ना करे तो तीसरी होनी चाहिए, अर्थात पहला दूसरा तीसरा विकल्प होना चाहिए और सब कुछ समय रेखा के अंतर्गत होना चाहिए। यह ना सोचें कि आप किसी भी दिन कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको सब कुछ एक समय रेखा के अंतर्गत करना चाहिए। जब आप अपने कार्य समयावधि के अंतर्गत करते हो आपको अत्यधिक ऊर्जा एवं शक्ति महसूस होगी। अगर समयावधि के अंतर्गत कार्य की पूर्ति न हुई तो कोई बात नहीं, आप दूसरे समयावधि को निर्धारित करें, परंतु उद्देश्य को स्पष्ट रखें। स्पष्टता होनी चाहिए कि मैं इस कार्य की पूर्ति इस समयावधि के अंतर्गत करूंगा। अगर आप में दृढ़ संकल्प है तो समस्त प्रकृति आपका समर्थन करेगी, समस्त प्रकृति आपका मार्गदर्शन करेगी, समस्त प्रकृति आपके साथ होगी, संपूर्ण विश्व आपके साथ होगा, अस्तित्व आपके लिए इनकी पूर्ति करेगा। आपकी उपलब्धियों के लिए मैं कामना करता हूं। बहुत सारा प्यार, मैं मोहन जी।